झील जैसी आंखें, फूल जैसा चेहरा, गुलाब की पड़किन जैसे होंठ, आबशार से बल खा के गिरती हुई पानी जैसी कमर। फंसाई हुई लड़की से जान छुड़ाना मुश्किल है। फंसाना तो बहुत आसान है। लड़के इस लायक नहीं है कि उन पे तरसा है। आई थिंक बॉयज बजाना इजी है, उससे जान छुड़वाना मुश्किल है। लड़के पढ़ते नहीं है, वैसे फिरते रहते हैं, और लड़कियां बेचारी पढ़ती हैं, अपना टाइम स्पेंड सारा पढ़ाई के लिए, देखिए घर से मारना पड़ते और अम्मी अब शादी ना जल्दी कर दे। कोई नहीं, उतार के हाथ में पकड़ लूंगी। मैं शरीफ हूँ, मैं नहीं फंसाता। अच्छा, लड़की फंसाना मुश्किल है, ये सेट क्यों लड़की से जान छुड़ाना? जिसने सेट होना होता है ना, वो जान छुड़ाने वाली नहीं होती। तो क्या होती है? वो टाइम पास होती है। वैसे कभी हुआ नहीं मेरे साथ, बाय चांस कभी हो तो नहीं। तो क्या करोगे आप? बता दूंगी, हेल्प करनी तो करना अच्छी बात। तो लड़के भुंडिया करते तो उनको नहीं ना बताना चाहिए? कोई नहीं, मदद तो कर। तरस आ जाता? तरस ही मदद कर रहे क्यों? पर लड़के इस लायक नहीं होते कि उनके पे तरस किया जाए। अच्छा, अगर आपके बीच रास्ते चप्पल टूट जाए आप क्या करेंगी? कोई नहीं, उतार के हाथ में पकड़ लूंगी। शर्म नहीं आएगी? क्यों, अपनी चप्पल पकड़ते हुए किस बात की शर्म आएगी? आपका नाम? मेरा नाम खलील अहमद है। यहाँ खलील अहमद, यहाँ आप घूमने आए? नहीं, मैं स्टडी करने आया। अच्छा, आपसे सवाल है कि लड़कियाँ फंसाना मुश्किल है या फंसाई हुई लड़की से जान छुड़ाना मुश्किल है? पहली बात तो ये कि आप किस लड़की को फंसा रहे हो। अगर आपसे वो फंस भी जाती है, अगर वो आपको अच्छी लगती है, तो फिर उसे क्यों जान नहीं छुड़ानी चाहिए? सवाल है कि किसी से कभी जान छुड़ाई? अभी तक तो ऐसी मिली नहीं है जिससे जान। सारी फंसाते गए हो? नहीं, किसी को फंसाया नहीं है। बाकी वैसे एक्सप्लेन करें, लड़की फंसाना मुश्किल है या फंसाई लड़की से जान छुड़ाना? फंसाई हुई लड़की से जान छुड़ाना मुश्किल है। नहीं, मतलब अगर किसी लड़की से जान छुड़ाना हो, आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, आप क्या कहेंगे उसे? जाहिर सी बात है, कोई बहाने करने पड़ते हैं जैसे लड़कियां भी करती है जान छुड़ा। बहाना क्या करोगे आप? पहले तो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे कि आप मुझे ये कर, ये मतलब मेरा कहना नहीं मान रही है, ये कर रही है, किसी और से बात कर रही है, और मतलब आप उसे हर्ट करेंगे। कभी कभी देर से रिप्लाई करेगी तो जाहिर सी बात है, बंदा जान छुड़ाने के लिए ही पढ़ा है तो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट करेगा। मतलब आप उसे हर्ट करेंगे? जान छुड़ाने थे तो आप लोग फंसाते क्यों है? देखिए, कोई अब मैं ऐसी ये ड्रेस पहन रहा हूँ, कभी कभी मुझे ड्रेस अच्छी भी नहीं लगती, मैं जाहिर सी बात है कोई दूसरी ड्रेस ले लूँगा। तो मतलब लड़की एक चीज़ की तरह होती है आज के दौर में, हमारी सोसाइटी आजकल माहौल ऐसा बना हुआ है ना कि चेंज होना चाहिए। फंसाना ही मुश्किल है। कभी फंसाई नहीं? फिर कैसे मुश्किल हुआ? मुश्किल है तभी तो नहीं फंसी। कोई पसंद आई कभी? बहुत मरतबा। तो फिर क्या करते हो? देखते ही रहते हैं। कैसे? आंखें फाड़ फाड़ के। तो किसी लड़की ने प्रपोज नहीं किया कभी? नहीं। जाहिर सी बात है, तरीके हैं, ब्लॉक करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है वगैरह। मतलब ऐसे क्यों करते हो? अगर लड़की किसी से मतलब नहीं स्पेंड करनी लाइफ, तो उससे सेट क्यों करते हो? अब ये सवाल ना करें ना कि सेट ही क्यों करते हो, सेट होने वाले का भी तो सवाल पूछे ना उसका भी। अच्छा, तो फिर आप कैसे जान छुड़ाते हो बताओ? इग्नोर कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कोई बात बहाना करते हो, क्या कहते हो? गुस्सा कर देते हैं। या गुस्सा कैसे करते हो? गुस्सा जैसे गुस्सा करते हैं। गुस्से में क्या कहते हो? तू ना जान छोड़े, फिर आप क्या करोगे? तो ना जान छोड़ोगे ठीक है, लगी रहे तो आप इग्नोर कर दोगे? मैं इग्नोर कर दूंगा। हाँ, मीन्स के लड़के जो होते हैं वो चीटर होते हैं। लड़के चीटर? आपको किसने कहा लड़के चीटर? मैं से कह रही हूँ कि अगर लड़की एक फंसा ली उसे जान छुड़ा रही, फिर लड़के चीटर होती है। लड़कियाँ ने ना मतलब आप मुझे फंसाया होगा ना, मुझे बताओ, मेरे पीछे तीन होंगे छुड़ाना। लड़की फंसाना कभी फंसाई है? फंस जाती है इजी। तो मुश्किल कैसे थी? मुश्किल इजी है। तो कह रहे हो ना मुश्किल है? नहीं इजी है। अच्छा, कैसे फंसाते हो? इजी कैसे? इजी आराम से फंस जाती है। कैसे? लड़की मुस्काए तो फंस गई है। नंबर कैसे देते हो? नंबर तो समझो तवीज़ होता है, ये तवीज़ है रख लो। लड़कियाँ ठरकी होती हैं या लड़के होते हैं? लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। वो कैसे होती है? शायद वो तुम्हें देख रही हो, कुछ बोलो उसके बारे में। झील जैसी आंखें, फूल जैसा चेहरा, गुलाब की पड़किन जैसे होंठ, आबशार से बल खा के गिरती हुई पानी जैसी कमर। मतलब रोना आ रहा है उसको याद करके। जैसे आप मर्जी समझ लें।